Assalamu alaikum guys, this is Zoyab Jamali and you are watching ZJ Legal. आज जिस केस को आप डिस्कस कर रहे हैं वो है PLD 2021 कराची 533 नईम अख्तर वर्सेस द स्टेट। ये डिविजनल बेंच का फैसला है जिसके ऑथर जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि अपीलेंट के ऊपर चार्ज जो फ्रेम किया गया वो अंडर सेक्शन 319 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड चार्ज फ्रेम कर दिया गया, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने जो एविडेंस है वो चलाई, विटनेसेस को एग्जामिन किया और उसके बाद एविडेंस क्लोज कर दी। जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो क्लोज हो गई। तो उसके बाद अदालत ने क्या किया कि चार्ज को अल्टर कर दिया और चार्ज अल्टर किया जिसमें सेक्शन लगाया 302 PPC कत्ले अम्द का। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो पुरानी एविडेंस है, जो कि बयानात हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की, उनको ही कंसिडर किया जाए, री एग्जामिनेशन नहीं की जाए। अदालत ने उस एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया क्योंकि कंप्लेनेंट और अक्यूज के जो वकला साहिबान थे उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। अदालत ने प्रोसीड किया और 342 का जो अक्यूज का बयान होता है वो रिकॉर्ड किया और उसके बाद दूसरी साइड चला के अपेलेंट को सज़ा सुना दी, जिसमें उनको मौत की सज़ा सुनाई और साथ में 1,00,000 का कंपनसेशन देने की भी ऑर्डर किया। अब हाईकोर्ट में जब यह अपील आई तो हाईकोर्ट ने अपील में ये हेल्ड किया कि जो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ये इलीगल है, सस्टेनेबल नहीं है अंडर द लॉ, क्योंकि सेक्शन 231 CRPC जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है और उसके मुताबिक ये अदालत की ड्यूटी होती है कि जब भी चार्ज अल्टर किया जाए तो जो भी विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं उनको री एग्जामिन किया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे क्या होता है कि ट्रायल जो है वो विशिएट हो जाता है, इसीलिए हाईकोर्ट ने ये ट्रायल कोर्ट पे वापस रिमांड कर दिया और ये हुक्म दिया विद डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस चला के और बकाया जो विटनेसेस हैं डिफेंस वो चला के फैसला सुना दिया जाए।